हमारे साथ हाजीपुर से अमिताभ ओझा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूं, लेकिन उससे पहले राजीव अब अगर आपको मतदाता मिल जाए तो उनसे बात भी कीजिएगा, एक और एनालिसिस साथ साथ में कर दीजिएगा वक्त मिले तो। 49 सीटों में इस फेज में चुनाव हो रहा है, सबसे ये चुनौतीपूर्ण है, यूपीए को महज 2 सीटें 41 पर बीजेपी, इस लिहाज से इस फाइट को, इस पांचवें चरण को कैसे देखते हैं? राजीव आवाज मिल रही है आपको? उनसे संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा चलेंगे। अमिताभ हाजीपुर में मौजूद है। अमिताभ, ये तो गढ़ की लड़ाई जमुई छोड़कर आए हैं, लाज कितनी बचेगी चिराग पासवान की, फाइट कैसी है, बात कीजिए। जितने उनका कहना था कि वो अपने पिता की विरासत को बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए इस बूथ पे अभी इस वक्त हम महुआ में हैं, इससे कुछ देर पहले हाजीपुर में थे, महुआ में हैं, और यहाँ सीधे हम मतदाताओं से बात करते हैं कि इस बार मूड क्या है, इस बार क्या मूड है हाजीपुर का? बहुत अच्छा जा रहा है, वोट अच्छा गिर रहा है। क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का? मुद्दा यह है कि जो विकास, जो अच्छा काम करेगा वो उसको वोट दिया जाएगा। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। आप बताए सर, एक तो क्या है कि वोटिंग परसेंटेज देखिए 9 बजे तक कभी समय हुआ है, बाकी सब जगह ज्यादा बोले, सबसे कम हाजीपुर में हुआ, तो लोग वोटर क्यों नहीं निकल रहे? दूसरा हम जानना चाहेंगे आपसे इस बार यहाँ मुद्दा क्या है? वोटर नहीं निकल रहे, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कैसे कह सकते हैं कि वोटर नहीं निकल रहे हैं? सुबह से तो भीड़ ही है, 6 बजे से मालूम कर रहे हैं, पता कर कर के अभी लेट से आए तो भी भीड़ है, तो वोटर कम है ये तो हमको नहीं लग रहा है। और मुद्दा क्या लग रहा है सर? मुद्दा तो सबका वही होगा अपना, सबका अपना अपना मुद्दा है, किसी का विकास मुद्दा है, किसी का अपना स्वार्थ निजी मुद्दा है, सब अपने अपने मुद्दे पर देंगे। काफी सबकी निगाहें लगी हुई हाजीपुर सीट पे है, तो आप लोग क्या लगता है? बाकियों का तो नहीं पता, हम तो अपना सोच के वोट देंगे, दोनों पार्टी का सुने हैं क्या क्या लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हमको लगता है इस बार चेंज होना चाहिए। आपका? बस बेरोजगारी हटाना है और युवा लोग को नौकरी उकड़ी पढ़ाई लिखाई यही सब करना है, और क्या बताइए क्या आप बताइए? आरजेडी। नहीं, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम देखिए सब लोग मतलब नाम नहीं पूछ रहे हैं, मुद्दा क्या है वो हम पूछ रहे हैं, ये बताइए। मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी वाला, नौकरी सबका है, वही सब है, और क्या होना चाहिए। क्या लगता है सर इस बार क्या मुद्दा है हाजीपुर में? हाजीपुर में देखिए अभी तो वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा 4 तारीख को क्या हो रहा है। नहीं आए हैं वोट देने के लिए, तो सोचे होंगे क्या, अब जो सोचा हुआ है वो बताया थोड़ा ही जाता है। नहीं रहे हैं। हाँ। मुद्दा क्या रहा है, आम जो चर्चा है? आम जो चर्चा है रोजगार के लिए चर्चा है, युवा को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए, इसके अलावा युवा को और कुछ चाहिए नहीं, रोजगार की ही चर्चा है। अमिताभ चेहरा देख रहे हैं क्या, मोदी चिराग पासवान पशुपति पारस चेहरा देख रहे हैं क्या मतदाता? सगा चुनेगी, बस रोजगार के लिए हम लोग सरकार चुन रहे हैं। आपको इस बार चेहरा भी आपके पास है, मोदी हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो अभी तो जो है अब इसको खोला तो नहीं जा सकता, आपको बार बार बता रहे हैं, खोलने की चीज नहीं है, ये जो हमारे मन में है वो मन में ही रहने दीजिए, इसको खोलने की जरूरत, बाद बाकी ऊपर वाले की मर्जी है आगे क्या होगा। चलिए कुछ लोग और बात करते हैं, इस बार क्या है हाजीपुर में, किसका चेहरा रहेगा इसमें आगे? किसका चेहरा रहेगा, देखिए किसका चेहरा रहेगा, दोनों में लड़ाई है, अब जिसका जीत हो, थोड़े बहुत से जीत हो, लेकिन किसी का जीत हो गया। मैंने आपको क्या लगता है अंतर कम रहेगा? अंतर क्या रहेगा, अंतर थोड़ा बहुत तो रहेगा, ज्यादा नहीं, 50,000 के। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो मतदाता खुलकर तो नहीं बता रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जो अभी जो महुआ ये ग्रामीण इलाका पड़ता है हाजीपुर का, तो यहाँ पे शहरी के बजाय यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा दिख रही है। इससे पहले हम लोग शहरी इलाके में थे, वहां पर देखिए मतदाताओं का दूसरा मूड था, क्योंकि जनरली धूप जब तेज होती है तो लोग 4 बजे के बाद वोट देने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां पे आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल, मतदाताओं को ये बता देना चाहिए कि ये जो हाजीपुर है रामविलास पासवान का गढ़ है, उन्होंने अपने भाई को पिछली बार 2019 में लड़ाया था, उनसे ये सीट छीनी।
अपनी विरासत को छीना चिराग पासवान ने, जमुई छोड़कर अब इस सीट से हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये, पहले कहा जा रहा था 4 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये दावा किया जा रहा था। अब जब आखिर में चुनाव आया तो रामविलास पासवान नहीं, मोदी के नाम पर चिराग पासवान वोट मांग रहे थे।